चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर। मैं हमेशा आपको क्रैलॉन के मेकअप दिखाती हूँ। शुरू से जब से मेरा चैनल हुआ है आप देखते होंगे मेरे वीडियो, मैंने बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइडल मेकअप जो किए क्रैलॉन से किए हैं। और क्रैलॉन के बारे में आप जानते हैं तो वो जर्मनी का ब्रांड है और बहुत ही अच्छा है। बड़े से बड़े सैलून में भी इसका यूज़ होता है। चाहे हम एयर ब्रश मेकअप क्यों ना कर रहे हो तब भी नीचे बेस आप चाहेंगे तो मेकअप स्टूडियो का कर लेंगे, आप चाहेंगे तो मैक का कर लेंगे कंसीलर, आप चाहेंगे तो क्रैलॉन का। सबसे अच्छा ब्रांड है और ज़्यादातर हर पार्लर में यूज़ होता है, क्योंकि इससे ही पता चल जाता है। जब मैंने वीडियो YouTube पे डालना शुरू किया था क्रैलॉन के, बहुत तेजी से मेरे सब्सक्राइब बढ़े थे और सभी ने मेरे मेकअप को पसंद भी बहुत किया था। चैनल पर आकर मेकअप अच्छे अच्छे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके देखें। कम से कम आपको 50 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्रैलॉन के मेकअप है। डस्क स्किन टोन, डार्क स्किन टोन, विथ स्किन टोन, बहुत सारे ऐसे मेकअप हैं और क्रैलॉन की फुल नॉलेज है कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है या फिर कलर कैरेक्टर क्या है। कई बार आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मैम कंसीलर क्या है, कलर कैरेक्टर क्या है या फाउंडेशन क्या है, ये सारा भी बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। तो आज काफ़ी टाइम से यही बोल रहे थे कि मैम बताइए क्रैलॉन के प्रोडक्ट कहाँ से ले, कैसे ले। तो सही में यार कंफ्यूज तो आप हो ही जाओगे, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें बताएं हम प्रोडक्ट कहाँ से लें, क्योंकि ये ऑनलाइन भी आप परचेज करते हैं तो उसमें कॉपी होती है तो किसी को भी नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो बिल्कुल कॉपी मिल जाती है कई बार, क्योंकि ओरिजिनल बहुत अच्छा है क्रैलॉन। मैंने हर स्किन पर दिखाया आपको, हर 15 से 16 घंटे स्टे करता है फेस पे, 100% वाटरप्रूफ है। बट इसमें सीरीज को बांट दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, आगे जाने से पहले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी, टेंशन मत लो। और ये भी बताऊँगी अगर आपको क्रैलॉन मिलता भी है या नहीं भी मिलता है या आपके बजट में नहीं है और आप नया पार्लर शुरू कर रहे हो तो मैम हम क्या खरीदें, ये क्वेश्चन होंगे। क्योंकि सभी इतने ऊपर नहीं होते हैं कि वो क्रैलॉन का यूज़ कर पाए या उनकी ब्राइड उनको इतना चार्ज नहीं देती है कि वो यूज़ कर पाए। आपको मेकअप के साथ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं वो। और अपने जो मेरे सब्सक्राइबर बड़े पार्लर चला रहे हैं या उनको काफ़ी टाइम हो गया है वो क्रैलॉन ही यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें भी बताऊंगी। तो वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखें, थोड़ी लॉन्ग आ जाएगी वीडियो इसके लिए, रियली सॉरी। क्रैलॉन के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, अगर नहीं जाने हो तो मेरे वीडियो सर्च कीजिए, सारे क्रैलॉन पे हैं। आप जो नए वीडियो देख रहे हैं आपको शायद समझ ना आए तो आप मेरे वीडियो सर्च कीजिए, मैंने एक एक वीडियो दिया हुआ है। डस्क स्किन टोन पर मेकअप कैसे करें, विट स्किन टोन पर मेकअप कैसे करें, क्रैलॉन के ही हैं, सभी क्रैलॉन के हैं उसमें। ये मेकअप तो थोड़े अभी आना शुरू हो गए हैं पर्पल से, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हर प्रोडक्ट की आपको नॉलेज हो जाए। लेकिन अगर आप क्रैलॉन ही देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल मिलेंगे आपको और बिल्कुल डिटेल में है। मैंने तो यहाँ तक भी बताया कि कलर कैरेक्टर का कहाँ यूज़ होता है और कंसीलर का कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। और मैं नहीं चाहती, जब मैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर सिखा रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप कन्फ्यूज़ होकर कोई भी काम करें। प्रोडक्ट है मेरे पास कुछ, मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा देती हूँ क्रैलॉन के। पहले ये मैंने एयर ब्रश मेकअप के लिए थे, सिलिकॉन बेस, ये देख सकते हो क्रैलॉन के हैं और इस पे इस तरह का साइन है और बिल्कुल ओरिजिनल है बिल्कुल। और ये जर्मनी का ब्रांड है, इस पे सब कुछ देख सकते हो, मेकअप इज ए साइंस, crayon.com। तो मैं आप कई बार पूछते हैं कि मैम कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले, ये भी डिटेल में बता दूंगी। उसके बाद मेरे पास ये है एयर ब्रश का और उसके बाद मेरे पास है क्रैलॉन का पैनकेक। तो जो पैनकेक मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरा स्किन टोन है मैं आपको दिखाती हूँ, 100% वाटरप्रूफ मेकअप होता है। अगर आपको कुछ भी लगाना नहीं आता तो आप खाली ये लगा लेंगे, 100% वाटरप्रूफ मेकअप होगा। ये भी क्रैलॉन का है, इसका नंबर है मेरा स्किन टोन 626B, दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। यार आप जानते हो मैं वीडियो कितने बजे बना रही हूँ, रात के 10:30 बजे। आज सुबह से मेरी भागदौड़ हो रही है और अभी मुझे चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि सारे मेकअप ब्राइडल के ही वीडियो है मेरी, उसमें मैंने सोचा एक एक ब्राइडल के साथ आपको जो आपके रिक्वेस्टेड वीडियो वो देती चलूँ। तो मैं रात को अभी ऊपर से नीचे आई हूँ और ऐसे ऑन कर रखा है तो मुझे छींक शुरू हो गई है और सभी सो रहे हैं, 10:30 बज गए। प्रिया का तो पेपर है, प्रिया पढ़ रही है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। तो देख सकते हो इसका प्राइस 850 रुपये है, देख सकते हो ये पैनकेक है। ये मेरे पास फिर पैन स्टिक है क्रैलॉन की, आप चाहे तो इसमें छोटी डिब्बी ले सकते हैं। आप पूछते होंगे पैन स्टिक में क्या फ़र्क है, इसमें हमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है बट इस टाइप की डब्बियों में जो हमारी पैलेट के अंदर होती है
इस टाइप के डब्बियों में, इसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो इसकी बजाय आप पेन स्टिक ले लें इसमें, और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क होगा कि आप सुप्रा ले रहे हो या डर्मा ले रहे हो, क्योंकि डर्मा में भी ऐसी पेन स्टिक आपको डर्मा कम्फर्ज में भी ऐसे मिल जाएंगे और सुप्रा में भी मिल जाएंगी। सुप्रा हमारा ऑयल बेस होता है और डर्मा हमारा ड्राई बेस होता है। क्रायलॉन में दो सीरीज होती हैं, सुप्रा और डर्मा। डर्मा हमारा ड्राई बेस होता है, मैट फोम देता है वो हमें, और सुप्रा हमारा ऑयली बेस होता है, तो वो हमें हर स्किन पे चल जाता है। लेकिन जो डर्मा है उसे हम बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे या फिर मई जून जुलाई और अगस्त, इन तीनों मौसम में कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छी कवरेज देता है, 100% वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ तो आप इसको भी कर सकते हो अगर लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हो तो, वाटर के साथ मैंने अपनी वीडियो में बिल्कुल करना दिखा रखा है। और ये भी है 6 to 6B मेरा स्किन टोन, और इसमें क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो आप ये ना सोचें कि पेन स्टिक लूँ या ये लूँ, तो ये देख सकते हो टीवी पेन स्टिक, ये भी है क्रायलॉन की, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें इस टाइप की मिलती है या इस टाइप की, तो इसी के अकॉर्डिंग होती है। इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होने के बावजूद इसका प्राइस 1200 रुपये होता है और वो 550 रुपये, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि ये ले लें। लेकिन अगर आपका पार्लर है तो ये लें, अपने लिए लेना चाहते हैं तो छोटे डब्बे भी ले सकते हैं। ये 550 की है और रेट टू रेट मिलती है हमें, और ये आती थी 350 की, बट अब बंद हो गई है। और यही आती है इसकी, ये भी देख सकते हो क्रायलॉन, और ये भी देख सकते हो इसकी पैकिंग, देख सकते हो बिल्कुल एक ये आती है। ये इसमें छोटी है कि आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बड़ी पैलेट लें। उसके बाद ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रायलॉन में दो सीरीज होती है, ये है हमारी सुप्रा, तो देख सकते हो क्रायलॉन प्रोफेशनल मेकअप, ये देख सकते हो सुप्रा पैलेट है। इसमें मैंने निग्रो अलग लिया हुआ है, ये डार्क शेड। आप चाहें तो हमें 6 की ऐसी पैलेट मिलती है, जब मेरे थोड़े ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इस टाइप के अलग अलग खरीद लेती हूँ। और ये भी सुप्रा है, ये भी सुप्रा है, तो इसमें 6 आते हैं, 6 to 6A, 6 to 6B, 6 to 6C और G16530 और FS29। हमें मेन 6 शेड इसमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये पैलेट आपको 1450 की मिलेगी मार्केट से। बाद आ जाते हैं डर्मा कम्फर्ट पे, ये हमारे ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, ये थोड़े फेयर ज़्यादा होते हैं। मुझे इसीलिए सुप्रा का स्किन टोन बहुत अच्छा लगता है, बट ये बहुत अच्छे होते हैं ऑयली स्किन के लिए और चिपचिपाहट भरी गर्मी के लिए। ये देख सकते हो सारे निकल गए हैं। इसमें भी हमें नंबर लिखे होते हैं बहुत आसान, कौन कौन से नंबर मिलेंगे मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। इसमें है D30 जो ऑरेंज कलर है, इधर उधर हो गया है यार, ये निकल गए थे। D30 है, DFD है, D64 है, D5 है। D30 जो है वो हमारा ऑरेंज कलर का है जो हमारे डार्क एरिया को कवर करता है, और उसके बाद DFD है और D64 है जो सभी स्किन टोन पे मिक्स एंड मैच करके चल जाता है। D5 हमारा डस्की स्किन टोन के लिए है और थोड़ी डार्क स्किन टोन के लिए है, और D4.5 विटी स्किन टोन के लिए है, और D4 ये हमारा फेयर स्किन टोन के लिए है। तो इन्हें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है डियर कि मैं आपको बता दूँ D4 आप फेयर पे लगा लीजिए। अगर आपका विटिश टू फेयर है तो फिर आप क्या करेंगे ना, कि इन चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके आप स्किन का कलर बनाएंगे, वरना आप एकदम से बहुत फेयर पे बहुत मीडियम स्किन टोन है आप उस पे ये ले गए तो मैच नहीं होगा स्किन से और ग्रे हो जाएगा मेकअप। तो ये चीज़ें होती हैं कि कलर को अच्छे से समझो, उन्हें मिक्स एंड मैच करके स्किन के अकॉर्डिंग बनाओ और फिर वर्क करो। तो ये थी मेरी डर्मा कम्फर्ट, आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में 6 कलर मिल सकते हैं, मिलते हैं। ड्राई स्किन देख के कर लेंगे, ऑयली स्किन देख के कर लेंगे, और सुप्रा जो होता है अगर आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है प्रोडक्ट का और आप सेट करके करते हैं तो खाली सुप्रा ले सकते हो। लेकिन वहीं पे आपको ऑयली स्किन पे प्रॉब्लम होती है 2-3 महीने के लिए डर्मा बेस भी ले सकते हो। HD मैंने इसका लिया है तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में HD, और HD से ऊपर आता है ये, तो क्रायलॉन की सीरीज आप समझ गए होंगे। क्रायलॉन में क्रायलॉन के दो हैं, डर्मा और सुप्रा, उसके बाद आ जाता है HD, उसके बाद आ जाता है हमारा एयर ब्रश, तो काफ़ी हैं क्रायलॉन में। और इस तरीके के आप प्रोडक्ट ले सकते हैं क्रायलॉन के। कहाँ से मिलेंगे ये आपको मैं एड्रेस दे दूँगी अगर आप दिल्ली में रहते हैं। तो आ जाते हैं अपनी बात पर, क्रायलॉन के प्रोडक्ट आप कहाँ से लेंगे, और 100% वाटरप्रूफ है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल मेकअप है ये, आप इसे करते हैं। आपने अगर मुझे देखा होगा प्रगति मैदान में तो मैंने उस दिन यही किया हुआ था अपने स्किन टोन से बिल्कुल मैच करके, तो 15-16 घंटे कहीं नहीं जाता और बहुत अच्छा फेस का कलर लगता है आपके। इसके लिप शेड भी आते हैं, और मैं मेनली आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसका केक लाइनर,
ये है क्रायलॉन का केक लाइनर, देख सकते हो, और प्राइस भी बिल्कुल देख सकते हो आप, प्राइस इस पर लिखा हुआ है और इसका नंबर भी दिया गया है 5322। ब्लैक कलर है, जेड ब्लैक, और मैंने काफ़ी वीडियो में ये यूज़ किया है, और ये है 600 का। आप स्मस प्रूफ है, इस तरह की पैकिंग में मिलता है ये। और अब आ जाती है बारी कि क्रायलॉन के प्रोडक्ट कहाँ से लें। आप क्रायलॉन प्रोफेशनल मेकअप सर्च करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी आएगा, लेकिन कर लेंगे वहाँ पर आपको अगर प्राइस कम दिखाई देते हैं किसी के, जैसे मैंने बताया 1200 की है और वहाँ पे आपको 600-700 मिलते हैं, तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये मैं ले लूँ, वो कॉपी होगी इसकी तो ओरिजिनल नहीं होगा। कई ऐसी वो होती है, तो आप उनको सोच समझ के लें, उनके प्राइस को देख कर लें, ऐसे ना लें। कई बार हम लिंक किसी लिए नहीं देते हैं, है तो ये काफ़ी सारी साइट पे, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लाजपत नगर में है, मेट्रो स्टेशन से जस्ट उतरेंगे तो राइट हैंड साइड में ही इनका शोरूम है क्रायलॉन का, बहुत बड़ा ऑफ, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हैं तो हो सकता है कि आपको वो डिस्काउंट भी दे दें। और मैं जो भी लाजपत नगर नहीं जा पाती हूँ तो मैंने प्रगति मैदान से परचेज करती हूँ, उन्हीं का है, आपने देखा भी होगा प्रगति मैदान में, तो वहाँ से परचेज कर लेती हूँ, लेकिन शायद आप लोग ना जा पाएँ तो फिर मैं बोलूँगी आपको कि सदर मार्केट में ऐसे कहीं से भी ना लें। सिर्फ मैंने अभी तक ओरिजिनल लिया है तो नागपाल की शॉप है सदर मार्केट में, उनके पास आपको ओरिजिनल आएगा, और मैं किसी का नहीं कह सकती कि आप कहीं और से ले लें, और कहीं मैडम आपने ऐसा बोला था वैसा बोला था, तो मैं और कहीं से नहीं लेती हूँ, स्पेसिफिक मॉल से ले सकते हो। और सर्च करें आप एक बार गूगल पर सर्च करें, लेकिन ऐसी वैसी साइट से बिल्कुल भी ना लें। ये मैं नहीं कहूँगी आप उस साइट से ले लें, या मैं देना चाहती, मेरी इतनी ढेर सारी वीडियो है तो मैं लिंक दे देती, मेरी डॉटर ने इसीलिए देख रहे हो वो अमेजन के लिंक देती है, या मैं पर्पल के देती हूँ, पर्पल पर तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट है, तो हमने अभी तक कोई ऐसा लिंक नहीं दिया क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा फेक मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और इतने कॉस्टली नहीं है, इतना अच्छा मेकअप प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, तो आपको जब वो रियल प्राइस मिलता है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से महंगा भी लें और ऐसा वैसा लें। और अगर आपका सवाल यही रहता है कि मैम मैं दिल्ली से बाहर रहती हूँ तो मुझे कहाँ से मिलेगा, आप चाहे गुजरात से, चाहे मुंबई से, चाहे कहीं से, आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्रायलॉन प्रोफेशनल मेकअप, आप इसे गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको, और अपनी सिटी का नाम डालें, तो जहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम डालेंगे, क्रायलॉन प्रोफेशनल मेकअप डालेंगे, तो उस एरिए के स्टोर आपके सामने ब्रांच इनकी खुल के आ जाएंगी, तो आप इनकी वहाँ से स्टोर से ले सकते हैं। आपको लोकल मार्केट में बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बड़े बड़े मॉल वगैरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। और लाजपत नगर का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, तो देख वही मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वहीं पर न्यू पार्लर खोला है आपने, आप चाहते हैं कि मैं मेकअप करूं, क्रायलॉन प्रोफेशनल है, आप अचानक से 10,000 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, अगर आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो मेकअप के चार्ज और 100% बढ़ गए, लेकिन वहीं पे आपने मेकअप पार्लर अभी भी शुरू किया है या आप सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, बहुत अच्छे मेकअप बेस हैं, जो मेकअप तो आप देख ही रहे होंगे, मैं लाइव आई थी आज तो उस टाइम मैंने किया था ये मेकअप, और ये मेकअप मैंने स्टे क्यूरकी से किया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है मेरे वो कंसीलर, आप देखेंगे 100% वाटरप्रूफ है, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी, और अच्छे प्रोडक्ट है, मीडियम बजट में, एंड वाई बे रनवे से, तो वो भी बहुत अच्छे, मैं सबके लिंक आपको दे दूँगी इनके, अगर आपके बजट में ये है तो आप ये लेके इनसे मेरे मेकअप के वीडियो देखें और मेकअप आसानी से कर सकते हैं। और देखते हो स्टे क्यूरकी का, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ग्लोई मेकअप लुक जो दिया था आपको अपने रियल ब्रांड पर, तो वो स्टे क्यूरकी का था, और मैंने उसकी कॉस्ट कितनी ली थी ये भी बताऊंगी अपने ब्राइडल पैकेज में साथ के साथ, और ये देख सकते हो, आपको मैं 100% वाटर प्रूफ करके दिखाती हूँ, और मेकअप भी देखेंगे, ये लगाया है मैंने, नंबर शेड सब दे दूंगी आपको, तो अगर आप बिगनर्स हैं करना चाहते हैं तो ये मेकअप प्रोडक्ट ले लें, बहुत अच्छे हैं, जैसे सुप्रा हमारा ऑयल बेस है तो स्टे क्यूरकी भी हमारा वैसा ही है। यहाँ पर मैं चाह रही थी चलो आपको ज़्यादा अच्छा कि रिज़ल्ट के साथ ही दिखाऊं ताकि कन्फ्यूज़न ना आए, बहुत सारे न्यू बिगनर्स ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं और अपने लिए ऐसा लेना चाहते हैं, तो देख सकते हो जिस दिन लाइव आई थी उसी दिन किया था मेकअप मैंने 3 बजे करीब, क्योंकि चाहती हूँ एक के साथ एक चीज़ और अच्छी बता दूँ आपको, तो जितने मैंने तीनों शेड यूज़ किए हैं वही शेड दिए आज आपको लिंक में, कोई और नहीं दिए ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, और ये तीनों शेड मेरे विटी स्किन टोन के हैं, लेकिन जो सबसे पहले मैं डार्क शेड लगा रही हूँ ये आप डार्क स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने डार्क एरिया को कवर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो,
और जो मैं कंसीलर के यूज़ करूँगी वो फेयर स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, और बीच में जो मैंने लगाया वो विटी स्किन टोन का है। तो तीन शेड हैं, काफ़ी यूज़ हो जाएंगे, तीनों के ही लिंक दिए मैंने ताकि कंफ्यूज ना रहे। और सबसे पहले वही लगाया था मैंने डार्क एरिया को कवर करने के लिए, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वक्त। अच्छे से पिगमेंटेशन को कवर कर लेंगे, और उसके बाद सेकेंड लगाया मैंने अपना स्किन टोन। और देख रहे हो जब मैं पॉलिशिंग ब्रश करना बिल्कुल भी नहीं भूलती, ताकि मेकअप बिल्कुल केकी ना दिखाई दे और ऊपर ऊपर ना दिखाई दे। अब मैं लगा रही हूँ एक टोन फेयर, थोड़ा सा अपने कंसीलर के लिए, और उसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेंगे, बिल्कुल सेट करेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप रियल वीडियो देखना चाहते हैं ब्राइडल का मेकअप, तो ग्लोई मेकअप देखना ना भूलें। मेरी वीडियो काफ़ी सारी हैं इन्हीं प्रोडक्ट से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर, एस्ट्रेलिया का बनाना पाउडर है। तो इस तरीके से ये आइस के नीचे लगाया, फिर लगाया है मैंने स्टे क्यूरकी का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने मेकअप को सेट करने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास तो इसीलिए मैंने साथ के साथ बना ले, बट थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ तो आप समझ जाएंगे मेरी वीडियो देखिए। उसके बाद कर लेंगे अपनी आईब्रो को डिफाइन। और ये देख रहे हो ये टोक्यो रूट की आई शेडो पैलेट है, जो मैं आपसे कह रही थी मैंने दो मंगवाई है, काफ़ी अच्छी है। मैं एक आई शेडो पैलेट से आपको आई शेडो भी लगा दूँगी, दिखा दूँगी, ब्लशर भी लगा लूँगी, कॉन्ट्योर भी कर लूँगी और हाइलाइटर भी कर लूँगी इसी आई शेडो पैलेट से, क्योंकि ऐसा ना सोचे मैं कभी भी लाइव आती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मैं स्पेशली इतने प्रोडक्ट लेके बैठती हूँगी। मैं कम से कम प्रोडक्ट लेना पसंद करती हूँ ताकि मेरा काम भी जल्दी हो जाए। काजल यहाँ पर मैं फेसिस का लगा रही हूँ, आप चाहें तो कलर बार का कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, और सभी प्रोडक्ट पे। अब तो यार ज़्यादा अच्छा, आप इधर उधर से ख़रीदने जाएं तो आपको कॉस्टली मिलते हैं, रेट टू रेट मिलते हैं, बट पर्पल पे सेल चलती है इनकी 50% ऑफ 20% ऑफ, तो काफ़ी फ़ायदा होता है आपको। चेक करके लें और रिजल्ट के साथ लें प्रोडक्ट, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें, तो आपको बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। जो मैं देखती हूँ तो चेक करके ही देती हूँ आपको। देख रहे हो मैंने पहले कॉन्ट्यूर कर लिया डार्क ब्राउन से और लाइट ब्राउन से, और आई शेड पे मैंने थोड़ा सा रेडिश था यूज़ किया है और फ्रंट में गोल्डन यूज़ किया है, और हाइलाइटर भी देख रहे हो मैं पिंक कलर का है, इसमें लाइट बहुत वो लगा रही हूँ पूरा। ये देख सकते हो मेरी एक ही आई शेडो पैलेट से मैंने सारे काम कर लिए। और लिप शेड मैंने लगाया अपना जो मुझे बहुत पसंद है फेसिस का है, ये 01 है, लॉन्ग लास्टिंग है, क्रियोन में है, सेट रहेगा। और ये तीन बेस यूज़ किया मैंने अपने मेकअप में, तो मेकअप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी में किया है और कितना अच्छा ग्लो कर रहा होगा, और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में तो आप देख ही रहे होंगे कहाँ मैंने 3:30 बजे मेकअप किया था और कहाँ रात को 11 बज चुके हैं। और मस्कारा मैं मोडा का ही लगा रही हूँ, मोडा काफ़ी सारे ब्रांड हैं, सेल चलती है काफ़ी सारे पे है, ऐसा नहीं है कि एक दो पे है और सेल आज से फिर से शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना रही हूँ उसके साथ आपको गुड न्यूज़ और दे दूँ, और काफ़ी कुछ देख लेंगे इसमें। और क्रायलॉन के प्रोडक्ट में भी आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से अपना सर्च करेंगे, अपने वहाँ का एरिया डालेंगे तो वहाँ पर आपको ब्रांच मिल जाएगी उनकी भी। उसके बाद मैंने बालों को थोड़ा सा कर्ल किया था, बट कर्ल करने का टाइम नहीं था तो मैंने मेकअप करने से पहले रोलर लगा लिए थे, और फिर लगाया स्टे क्यूरकी का ग्रीन लाइनर। इस लाइनर में आपको 12 शेड मिलते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे, और बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है। और यहाँ पे सेकंड मेकअप देख रहा हूँ मैं आपको, दिखा रही हूँ NYB 175 रुपीज़ का है एक बेस, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बजट में भी है, जब तक वो सीख नहीं जाते तो अच्छे से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। मैंने यहाँ पे इसका सिर्फ कॉन्ट्यूर यूज़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बेस मैं लगा चुकी थी, इस दिन भी मेरी ब्राइड थी जो मैं आपको ओलिविया पैनकेक की दिखाऊंगी, तो इतना टाइम नहीं होता, साथ के साथ दो तीन दिन काम करते हो। और फिर कर लिया मैंने कॉन्ट्यूर को सेट, कॉन्ट्यूर का काफ़ी अच्छा नंबर है ये और अच्छे से चलता भी है, मैंने 2-3 वीडियो में और दिखाया हुआ है। और ये हाइलाइटर देख सकते हो, एक दो मेन चीज़ें दिखा रही हूँ, हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का है, बिल्कुल मीडियम बजट में और काफ़ी अच्छा। आप मेरा मेकअप लुक देखेंगे, दोनों मेकअप लुक देख सकते हैं कि साथ के साथ आपको दो मेकअप लुक मिल गए, क्रायलॉन की पूरी नॉलेज मिल गई और आपको ये पता चल गया कि क्रायलॉन के प्रोडक्ट कहाँ से लेने हैं, क्योंकि देखो साइट तो बहुत सारी होती है, हम इधर उधर की साइट का एड्रेस दे दें तो अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं कभी ये नहीं कहलाना चाहूँगी कि आपने मुझे ऐसे प्रोडक्ट दिए। और हल्का सा देख रहे हो मैं आई शेडो से ही रेड कलर लगा रही हूँ, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं NYB का क्रियोन लिप कलर, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा मूड नहीं होता हम बिल्कुल फिक्स लगाएं या मैट लगाएं, तो ये देख सकते हो। और ये है मेरे हाथ में NYB रनवे की नई रेंज कॉन्ट्यूर शेड, और ये देख सकते हो इस टाइप के हैं ये, और मेकअप लुक आप देख ही रहे होंगे, दोनों मेकअप लुक आपने देख लिया, रेड वाली ड्रेस में भी और इसमें पिंक में भी, तो आपको ये प्रोडक्ट पता चल जाएगा कैसा है फेस से, तो आप इनको लेना चाहें तो आसानी से लिंक में जाके आप ले सकते हैं। मेकअप इतने कम बजट में 5-6 घंटे या 6-7 घंटे भी चलता है तो बहुत है हमारे लिए, बस आपको मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे हैं। मैंने दो मेकअप लुक किए हैं इससे, दोनों मेकअप लुक, एक आप देखेंगे पंजाबी ब्राइडल लुक,
वो भी इन्हीं से किया हुआ है मैंने, सर्च कर लें, देखें रिजल्ट वीडियो में। और दूसरा मैंने अभी ग्लोई मेकअप लुक किया था, ग्लोई मेकअप लुक मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप दोनों मेकअप लुक देखें मैंने इसी से किए हैं, तो आप इनके रिजल्ट वीडियो में भी देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो गया। आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं, लाया तो कर सकते हैं मीडियम बजट में आप, और ले सकते हैं स्टे क्यूर की NY Bay, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, काफ़ी मीडियम रेंज में है, काफ़ी अच्छे हैं, मेकअप भी किया है मैंने, तो मेकअप चेक करें और फिर ले लें। मैं तो दिखाना चाहती थी, आपको दिखा दिया, आप मेरे हाथों में फ़र्क देख सकते हो। और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आ जाएं और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दो चैनल है मेरे, नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड तो आप देख ही रहे होंगे, और सेकंड है ऑल अबाउट हेयर, जिस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे हेयर कट दे रही हूँ, न्यू हेयर कट दूंगी आपको, हेयर स्टाइल भी दूंगी और बालों हेयर से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी और पैक बनाना बताऊँगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थर्ड चैनल तो आप देखते हो, PriyaBeautySecrets, मेरी डॉटर का, और नए नए वीडियो लेके आऊँगी। तो आज आपको दिख गया होगा क्रैनोन के पोम, और ये प्रोडक्ट के लिंक सभी के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप बिगनर्स हैं, सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड भी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।